स्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और अभी हम आपसे जिस पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो बात ये है कि सुनने में ऐसा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कॉल के माध्यम से फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या सर नीट का पेपर दोबारा होगा। तो इस पर हमने संपर्क साधने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों से जुड़ने का प्रयास किया और ऐसा सुनने में आया कि जयपुर में लोग बता रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है। तो इसमें बच्चे पूछे सर जयपुर में पेपर आउट हुआ है तो बताइए क्या पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो जब इसके पूरी तरीके से हमने इस पर डीप में जाकर की इसके बारे में जानने की कोशिश की तो हमें जानकारी ये मिली और सही बात ये पता लगा कि सर जयपुर में किसी सेंटर पर किसी बच्ची के लिए पेपर आउट हुआ था, उसको आंसर मिला था। तो हमने पूछा उससे कि ऐसा मतलब कैसे, पहले या पेपर के बाद, तो पता ये लगा कि पेपर तो 2 से 5 आपका होता है, कई 2:30 बजे के आसपास उस बच्चे को वो जो है आंसर शायद बच्चे तक पहुंचाया गया। तो इसमें अब ये बात है कि दिया ऐसा है कि जब आप सबके सभी बच्चों की एंट्री 2 बजे के आसपास हो जाती है, 1:30 से 1:30 बजे तक सबकी एंट्री हो गई थी और पेपर 2 से 5 होना था और पेपर आउट हुआ 2:30 बजे, तो अब मान लीजिए कि वो बच्चा पकड़ा गया है कि भाई जो है तुमने ऐसा कैसे किया। तो संभावना उसमें ये बनती है बेटा कि जो है अगर मान लीजिए NTA कोर्ट के पास भी जाता है या लोग कोर्ट के पास भी जाते हैं कि सर पेपर आउट हुआ था, इस पर आप दोबारा नीट का पेपर कराइए, तो कोर्ट ये कह देगा कि भाई जो बच्चा पकड़ा गया है वो जो है एक पर्टिकुलर सेंटर पे पकड़ा गया है जैसे जयपुर में, और वो पेपर 2:30 बजे उसको मिलना शुरू हुआ, तो आगे पेपर फॉरवर्ड करने का या आगे तक पहुंचाने का कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं रहा होगा या बहुत जगह तक नहीं पहुंच पाया होगा। तो जिस सेंटर पर ऐसा हुआ तो हार्डली अगर पूछा जाए क्या कर सकते हैं, तो इस पर हार्डली ये हो सकता है कि जिस सेंटर पर ये बच्चा पकड़ा गया है उस सेंटर का पेपर, उस सेंटर के बच्चों का पेपर रद्द कर सकते हैं, या जिन जिन लोगों के पास ऐसा वो उनसे जानकारी हासिल कर लेंगे, जिन जिन लोगों के साथ जो है तक ये आंसर पहुंचा होगा उन बच्चों को पकड़ करके उनका पेपर निरस्त कर देंगे। लेकिन पूरे बच्चों का ओवरऑल ऑल इंडिया का पेपर नीट का कैंसिल होगा ऐसा नहीं होगा किसी कीमत पर बेटा, ऐसा नहीं होगा इस नाते क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है, ऐसा होने की संभावना एकदम से नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मतलब आप ये मान भी लो कि जयपुर में पेपर आउट हुआ, वो बच्चा पकड़ा गया है, तो पेपर बेटा 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उसको 2:30 बजे के आसपास आंसर मिला है, 2:30 बजे के आसपास आउट हुआ। आप एक चीज़ रख सकते हो कि सर उसको 2:30 बजे कैसे आंसर मिला, इसका मतलब 2 बजे से पहले पेपर बाहर आया होगा। तो भैया जिसको दिया गया होगा वो लिमिटेड रोल रहे होंगे, तो उसके उस बच्चे से पूछताछ होगी, वो बताया जाएगा, वो लिंक पूरा देखा जाएगा जिन जिन लोगों तक पहुँचा होगा। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि किनके किनके तक ये चीज़ें पहुँची वो सब पकड़ लिए जाएंगे, उनको ये चीज़ें उनका नीड्स के उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और शायद जिस सेंटर पर ये बच्चा पकड़ा गया है अगर बहुत बड़ा डिसीजन, तो सारे उस सेंटर को हो सकता निरस्त कर दिया जाए, लेकिन पूरे भारत का पेपर कैंसिल होगा नीट का ये एकदम से संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आप बेटा इस न्यूज को लेकर के परेशान मत होइए कि नीट का पेपर दोबारा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा कि नीट का पेपर दोबारा हो। और दूसरी बात ये कहना है, मैंने जैसे कह दिया नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा, तो प्लीज़ इसमें आपको दूसरे वे में लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर अगर दोबारा होता तो बहुत अच्छा होता, हमको एक बार चांस मिल जाता, नहीं मेरे बेटा, आपने पूरी मेहनत के साथ में पेपर दिया है, अच्छा किया होगा पेपर, आपने साल भर मेहनत किया है, तो आपको दोबारा भी अपना जीवन में अच्छा करने का मौका मिलेगा, सबको समय मिलता, तो आप घबराइए नहीं, आप निराश नहीं, और जिनका अच्छा हुआ उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा होगा क्या, हमारे इतने अच्छे मार्क्स हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया का, पूरे भारत का पेपर नीट का कैंसिल नहीं होगा, अगर बहुत कुछ भी होगा तो सेंटर के पेपर भले कैंसिल किया जा सकता है, और या तो हमारा तो मानना यह है कि केवल उस बच्चे को जो है नीट से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सबका नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, किसी अफवाह में मत पड़िए, नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा पूरे भारत का, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो भी आपके